दोस्तों आपको पता होगा भारत इस दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, यानी भारत की जो जनसंख्या है वो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो तरह तरह की डिमांड चीजों की बढ़ती है, तरह तरह की चीजें इस्तेमाल की जाती है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं भारत में 5 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ जो अगर आप भारत में करते हैं तो काफी ज्यादा उसका डिमांड है और वो बिजनेस काफी ज्यादा चलने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इनमें से कोई एक बिजनेस आइडिया अपनाते हैं तो आप इस बिजनेस को करके काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो करते हैं शुरू और जानते हैं कुछ ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में जो आप इंडिया में करके काफी अच्छा पैसा कमाएंगे। सबसे पहला है वह है नोटबुक बनाने का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों जो भारत में वो करोड़ों स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई करते हैं, और जब कोई पढ़ाई करता है तो आमतौर पर आपको पता होगा कि उसमें नोटबुक इस्तेमाल होता है। वैसे तो नोटबुक तरह तरह के कामों के लिए इस्तेमाल होता है, हॉस्पिटल में, स्कूल में, स्टूडेंट के रूप में, तो बहुत जगह नोटबुक इस्तेमाल होता है। तो अगर आप नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको कभी भी नुकसान नहीं होने वाला है। ये बिजनेस सालों भर चलेगा और इस बिजनेस में कभी भी गिरावट नहीं आने वाली है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली एक मशीन लेना पड़ेगा जो नोटबुक कटिंग का काम करती है, और दूसरा एक मशीन लेना पड़ेगा जो नोटबुक स्टिचिंग यानी सिलने का काम करती है। आप सिंपली 2 मशीन को लेकर अपने घर से नोटबुक बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इस बिजनेस को करके आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जैसे जैसे भारत में जनसंख्या बढ़ रहा है, नए नए स्टूडेंट निकल रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में, और तरह तरह का जगह पढ़ाई करने के लिए नोटबुक इस्तेमाल होता है, तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। आप चाहे तो नोटबुक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। नोटबुक मैन्युफैक्चरिंग एक काफी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है आपके लिए। अगला बिजनेस आइडिया है वो है दोस्तों हैंडी प्लास्ट का बिजनेस। आपको पता होगा तो जब भी हमारा हाथ किसी कारणवश कट जाता है तो हम ज्यादातर वहाँ पे हैंडी प्लास्ट लगाते हैं, जिससे कि उसमें पानी ना जाए, कोई और चीज से नुकसान ना हो और वहाँ के खून हो वो बंद हो। तो आपके पास भी एक काफी अच्छा ऑप्शन है कि आप हैंडी प्लास्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, हैंडी प्लास्ट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले रॉ मटेरियल लेना होगा और आपको इसका एक मशीन सेटअप करना होगा। इसके आप छोटे अमाउंट से भी कर सकते हैं और बड़े स्तर पर कर सकते हैं, दोनों तरीका है आपके पास हैंडी प्लास्ट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आप चाहे तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यह बिजनेस गांव में, शहर में, हर जगह चलने वाला है और काफी अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है आपके लिए। तो आप हैंडी प्लास्ट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इससे आप काफी अच्छा कमाई कर सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है दोस्तों एल्युमिनियम कंटेनर का बिजनेस। आपको पता होगा दोस्तों जब भी आप कहीं बाहर खाना खाने जाते हैं, चाहे वो ढाबे पे जाए, रेस्टोरेंट पे जाए, या फूड पैकिंग करके घर पे मंगवाए, तो ज्यादातर वो एल्युमिनियम के डब्बे में आता है, जिसे एल्युमिनियम कंटेनर बोलते हैं। इसकी मशीन दोस्तों आपको 5 लाख के करीब आ जाएगी, उसमें आप सेटअप कर सकते हैं, उसके बाद आराम से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप तरह तरह के शेप के, साइज के, अलग अलग प्रकार के एल्युमिनियम का जो कंटेनर होता है, डब्बा होता है, उसको बना सकते हैं। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है रिक्वायरमेंट की, आप एक अपने रूम से शुरू कर सकते हैं इस बिजनेस को और यहाँ से आपको काफी अच्छा कमाई होने वाली है। तो ये बिजनेस भी आप चाहे तो स्टार्ट कर सकते हैं एल्युमिनियम कंटेनर की, आपके लिए काफी बेहतरीन बिजनेस आइडिया हो सकता है। अगला बिजनेस आइडिया है वह है दोस्तों पेपर कप। आपको पता होगा दोस्तों जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए या फिर कहीं और असल पे जाते हैं, तो ज्यादातर पेपर कप में हमें जूस मिले, सूप मिले, ये सारी चीजें मिलती है। तो आपको क्या करना है, पेपर कप बनाना स्टार्ट करना है। जितने भी प्लास्टिक का कप आते हैं उसमें गर्म चीजें रखने से कैंसर तक की बीमारी हो सकती है, इसलिए उस पर बहुत जगह बैन है। बहुत जगह लोग खुद नहीं चाहते हैं कि उसमें चाय पिए या कुछ और सामान पिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको पेपर कप बनाना है और पेपर कप बनाकर आप किसी भी चाय वाले को सेल कर सकते हैं, किसी भी सूप वाले को सेल कर सकते हैं, जूस वाले को सेल कर सकते हैं, जो भी नींबू पानी बेच रहा हो, कुछ भी बेच रहा हो, तो जो ज्यादातर पेपर कप ही इस्तेमाल होता है। तो आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप पेपर कप बनाने का बिजनेस स्टार्ट करिए, घर से एक छोटा सा मशीन ले गई और उसे शुरुआत कर सकते हैं, जिससे कि आप अच्छा कमाई कर सकते हैं। अगला बिजनेस आइडिया है वो है दोस्तों किल का बिजनेस। किल क्या होता है, जब भी हम कोई लकड़ी का काम करते हैं या फिर कोई घर में कोई चीजें इस्तेमाल करते हैं तो किल लगाते हैं वहां पे, और दरवाजे बनाने के लिए, खिड़की बनवाने के लिए कील का इस्तेमाल करते हैं। तो जो कील होता है, अल्युमिनियम का कील, लोहे का कील, स्टील का कील, तरह तरह की कील आती है, तो आप वो बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जब भी कोई बिल्डिंग बनता है तो उसमें हजारों करोड़ों की मात्रा में कील लगती है, जब भी कोई लकड़ी का काम होता है उसमें कील लगती है। तो ये कील का बिजनेस भी काफी अच्छा बिजनेस आइडिया है। आप अपने घर से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, छोटी सी फैक्ट्री एक रूम में बैठा सकते हैं, उसके बाद कील मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इससे आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो ये बिजनेस भी आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। आप चाहे तो कील मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस स्टार्ट करिए और उससे पैसा कमाएं। अगला और लास्ट है दोस्तों एलईडी बल्ब बनाने का बिजनेस। एक बल्ब बनाने का खर्च दोस्तों मात्र आपको 10 से 20 रुपए में आती है, जिसको मार्केट में लोग 50 रुपए, 100 रुपए में बेचते हैं। तो आपके पास भी काफी अच्छा ऑप्शन है, आप एलईडी बल्ब बनाने का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बल्ब के अंदर की बात की जाए तो उसमें कुछ नहीं होता है, छोटी छोटी लाइटें होती है, उसका एक कवर होता है। तो ये सारी चीजें अलग अलग जगह मिल जाती है। आप क्या कर सकते हैं, या तो आप सबको असेंबल करके एक जगह बेच सकते हैं, या फिर अगर आप चाहे तो फैक्ट्री बैठा सकते हैं जिसमें ये सारी चीजें बनेगी।
तो अगर आप दोनों तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और एलईडी बल्ब बना सकते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, इंडिया मार्ट पे सारी चीज़ें मिल जाती है आसान आराम से। एक एलईडी की मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जितनी भी पार्ट होती है वो आराम से आपको इंडिया मार्ट जैसे वेबसाइट पर मिल जाएगी, जहाँ से आप चीज़ें खरीद सकते हैं। उसके बाद आप एलईडी बल्ब बनाना शुरू कर सकते हैं। इसके लिए ना तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ना तो आपको बहुत ज़्यादा जमीन लेना पड़ेगा, नहीं बहुत सारी आपको चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। आप अकेले तौर पे शुरू कर सकते हैं या एक दो बंदे मिलकर शुरू कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। आज की वीडियो में मैंने आपको 7 ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बताया है जो आप इंडिया में रहकर कर सकते हैं और इसका डिमांड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना।